हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज शनिवार है और आज हम बात करेंगे शनि देव की, सौर्य मंडल के सबसे खूबसूरत ग्रह की। दोस्तों, शनिवार के दिन भगवान शनि को याद किया जाता है और इस दिन शनि देव की विशेष पूजा की जाती है। हालांकि कुछ लोग इनको क्रूर ग्रह की संज्ञा देते हैं, पर दोस्तों अगर आपके कर्म खराब हैं तो ये क्रूर ग्रह है, नहीं तो शनि देवता जैसा दोस्त आपको जिंदगी भर नहीं मिल सकता। इनको प्रसन्न करने के लिए लोग अपने अपने तरह से उपाय करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखें दोस्तों, शनि देव की प्रतिमा या तस्वीर को घर पे रख करके पूजन करना बिल्कुल वर्जित होता है। आप चाहें तो इस दिन राम भक्त हनुमान की तस्वीर के सामने शनि देव की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार अपना क्या होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लगातार बीमार रहते हैं, घर पे रोग बाहर नहीं जाते, किसी भी परेशानी में हो या परिजनों या मित्रों से मन मुटाव हो जाए तो संभव है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हो सकता है आपके ऊपर शनि की महादशा है, साढ़े साती है, ढैया है कोई भी, या कुदृष्टि है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में शनि देव को शांत होने के उपाय करने चाहिए। इसके लिए आप शनि देव की पूजा घर पर भी चाहे तो कर सकते हैं। ध्यान रखनी है आपको दोस्तों, शनि देव को अपनी पत्नी के द्वारा ये श्राप था कि किसी पर भी वो सीधी नजर डालेंगे तो उनका अनिष्ट हो जाएगा, इसलिए वास्तु के अनुसार घर पर शनिदेव की मूर्ति रखना वर्जित माना जाता है। याद रखें कि उनको मन में ही स्मरण करके उनकी पूजा करें। शनिवार को हनुमान जी की पूजा का स्पेशल विधान आता है और आप अगर हनुमान जी के समक्ष पूजा करते हैं तो शनिदेव को याद करके पूजन करें, इससे भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सामान्य रूप से आपको पूजन करनी चाहिए, फिर बाद में किसी भी निकट के मंदिर में जा करके शनि देव जहां पे भी स्थापित हो वहां पर आप नीले या काले रंग के वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना मुख देखकर किसी लोहे के बर्तन में थोड़ा सा कड़वा तेल या सरसों तेल जिसको कहते हैं वो डाल लें और फिर उसमें अपना चेहरा देखें और फिर शनि देवता को चढ़ा दें। अगर शनि देवता नहीं मिलते, किसी गरीब को भी आप ये दान कर सकते हैं, लेकिन काले वस्त्र धारण करना शनिवार के दिन अत्यंत लाभदायक माना जाता है। सरसों या तिल के तेल से दिया जला करके शनि देव को या हनुमान जी को अर्पित करें। साथ ही शनि देव को तिल, काली उड़द या कोई भी काली वस्तु आपको भेंट चढ़ानी चाहिए। शनिवार को शनि देवता की तो पूजा का विधान है ही दोस्तों, कुंडली में इन्हें अनुकूल करने के लिए सभी लोग प्रयास करते हैं, लेकिन शनि देव को शांत करने के लिए आप राम भक्त हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जो शनि के प्रकोप से आपको मुक्ति दिलाते हैं। दोस्तों, इससे शनि कृपा बरसती है। शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी को 11वां रुद्र अवतार माना जाता है शिव जी का, और शनि देव भगवान शंकर के परम भक्त और चेले माने जाते हैं। भगवान शंकर ने ही शनि देव को संसार का न्यायाधीश होने का कार्य दिया था और न्याय करते समय शनि देव व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसे अत्यधिक पीड़ा देते हैं। पुराणों के अनुसार उन्होंने न सिर्फ मनुष्य को, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी पीड़ित कर रखा है, जिसमें भगवान गणेश और चंद्र देवता भी शामिल हैं। शनि देव पर नियंत्रण रखने के लिए भगवान शंकर द्वारा शनि देव को समय समय पर हनुमान जी के द्वारा पीड़ित करवाया गया। साढ़े साती में हनुमान जी पर चमेली का तेल अगर आप चढ़ाते हैं तो ये साढ़े साती से आपको राहत मिलती है। आप चाहें तो 8 बरगद के पत्ते ले लें। आपको मैं उपाय बता देती हूँ, ध्यान से सुने। बड़ का पेड़ होता है या बरगद का पेड़ जो कहते हैं, अगर वो ले लें। अगर बड़ का पेड़ नहीं है तो आप पीपल का पत्ता ले सकते हैं। ट्राई करें, बरगद के 8 पत्ते लें और हनुमान जी के ऊपर काले धागे में पिरोकर उसको चढ़ाना चाहिए आपको। शनि देवता आपको बाधाओं से मुक्ति देते हैं, हर प्रकार के आपके जीवन में शनि के जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर आप पीपल के पत्ते लेते हैं, बरगद का पत्ता नहीं लेते हैं, तो आपको 11 पत्ते लेने चाहिए और फिर उसको लाल रंग के धागे में पिरो करके आपको हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी पर काले पान का बीड़ा लगा लें, उसमें 2 लौंग डाल दें, इसको भी चढ़ाने से शनिवार के दिन शनि देव द्वारा जनित जो दुर्भाग्य होता है उसकी समाप्ति होती है, सभी प्रकार के कष्ट मनुष्य के कट जाते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो एक और छोटा सा उपाय कर सकते हैं, हनुमान जी पर कागजी बादाम चढ़ा दें। 8 या 11 बादाम ले लें और आधे बादाम आप काले कपड़े में बांध करके आपका जो घर का दक्षिण दिशा है, साउथ
कॉर्नर है वहाँ पर छुपा कर रखने से शनि का कोप शांत हो जाता है। आपको लगता है, कई लोग पूछते हैं कि मैम कब तक छुपा के रखना है, कम से कम साल दो साल उसको पड़े रहने दीजिए, कोई हर्ज नहीं। अगर आपको लगता है बहुत स्ट्रांग है और इस उपाय को करने के बाद आपके कष्ट कम होते हैं और फिर आपको थोड़े दिन बाद लगने लगे कि इस तरह से कष्ट वापस आने लग गया, तो फिर दोबारा ये उपाय कर लें। आप चाहे तो इसे कई बार कर सकते हैं, चाहे तो एक बार करके आप इसको भूल सकते हैं। इन केस आप इसको महीने दो महीने बाद रिपीट करना चाहते हैं इस उपाय को, तो आप जो पुराने बादाम है उसको कहीं पे भी डस्टबिन में ले जाके फेंक दे घर के बाहर, घर के अंदर उसको दोबारा आपको नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ आज मैं बता रही हूँ दोस्तों आपको रामायण पाठ, मैं हमेशा बताती हूँ रामायण पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, जो भी चीज़ है हनुमान चालीसा का पाठ करिए, पर दोस्तों एक चमत्कारी पाठ मैं आपको बता रही हूँ। आजकल इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास शायद टाइम नहीं है कि रामायण आदि जैसे जो ग्रंथ हैं पूरा पूरा पढ़ सकें। ऐसे में दोस्तों अगर आप एक विशेष मंत्र का उच्चारण करते हैं तो माना जाता है आपको संपूर्ण रामायण को पढ़ने जैसा फल प्राप्त होता है। एक मंत्र है दोस्तों, उसको एक श्लोकी रामायण कहा जाता है, वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ दूसरे वीडियो में, और इसके जप से आपको सभी प्रकार की परेशानियाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की रात आपको एक मंत्र का जप, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं ज़िंदगी से, आप हर चीज़ में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, बाधाएँ आ रही है, आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, तो आज की रात आपको एक काम करना है, एक पाटे पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें और उस पर हनुमान जी की फ़ोटो को आप विराजित कर लें। आपके पास मूर्ति है तो अच्छी बात, नहीं तो एक बार टेम्प्रेरी मोबाइल पर ही आप लगा लें अपनी फ़ोटो और उसके बाद वहाँ पे हाथ जोड़ करके बैठ जाएं। दोस्तों एक दीप जलाएं। दीप आपको कैसे जलाना है, लाल रंग के कलावे की आपको बाती बनानी है, रुई की बाती नहीं बनानी है, वाइट, और उसमें सरसों का तेल या तिल का तेल या चमेली का तेल, कोई भी तेल ये तीनों में से आप डाल सकते हैं। उसके बाद उस दीप को जलाना है, थोड़ी सी मिठाई आपकी इच्छा जो हो, बूंदी के लड्डू हो, कोई भी पीली मिठाई हो, या फिर आप गुड़ और चना भोग में रख सकते हैं। इसके बाद एक मंत्र का आपको जप करना है, मंत्र कौन सा है, आदि राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हरणम एतद्धि रामायणम। दोस्तों इस मंत्र को आप जप करें, आप चाहें तो 108 मंत्रों का ये जप करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप नहीं कर सके 108 मंत्र, क्योंकि जब मनुष्य विचलित होता है तो कई बार उसका मन पूजा में नहीं लगता है, ऐसे में दोस्तों आप कम से कम 51 मंत्रों का जप आपको ये ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद आप भगवान श्री राम के चित्र के सामने आप बैठ जाएं, उनके साथ प्रार्थना करें, राम भक्त हनुमान की प्रार्थना करें, और ध्यान रखना है दोस्तों ये मंत्र अगर हो सके तो रुद्राक्ष की माला से जप करें, और 5 माला का जप सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर आपको इसके तांत्रिक उपाय जानने हैं तो इस तांत्रिक उपाय करने के लिए आपको 43 डेज लगातार 5 माला का जप इसको रोज करना चाहिए। इससे माना जाता है हर प्रकार की परेशानी बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती है। ध्यान रहे दोस्तों जब आप जो आसन आप लेंगे, या तो वो लाल रंग के मोटे कंबल का आसन हो या कुशा का आसन हो, तो इससे जल्दी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और दोस्तों एक समय में आसन और माला हो तो ये मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों अगर आज की रात आप हनुमान जी की ये मंत्र का जप कर लेते हैं, एक श्लोकी रामायण का जप कर लेते हैं, तो माना जाता है आपको मालामाल होने से आपके जीवन को बाधाओं, जो भी आपके जीवन में बाधाएँ आ रही है उसको नष्ट करने से कोई नहीं रोक सकता, सभी प्रकार की परेशानियां, गरीबी आदि सब घर से दूर होने लगते हैं। दोस्तों एक दिन में मैजिक नहीं होता है, हमेशा कर्म पे ध्यान रखें, मेहनत करें, खूब सारी मेहनत करें। अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, समय आपका साथ नहीं दे रहा, तो ये जो छोटे छोटे उपाय बताती हूँ ये आपके समय को बलवान बनाएंगे। हिम्मत नहीं हारना चाहिए दोस्तों, कीप गोइंग, हर काम हर मंशा आपकी पूरी होगी, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं। और अपने फ्रेंड्स फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन, कोई भी लगता है दुखी है परेशान है, तो उनसे इन वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। किसी भी तरह के वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। Love you all, take care, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।